बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 ऑफ ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 8th एडिशन। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। 15 Joyce buys 3 small bottle of orange juice and 2 large bottle of apple juice. The volume of apple juice in a large bottle is 1/3/8 more than the volume of orange juice in small bottle. If each small bottle contain 1 1/4 liter of orange juice, what is the total volume of drink Joyce buys together? Look here, we have to calculate total volume. The total volume is equal to total volume of orange juice plus total volume of apple juice. Now, firstly, we have to calculate the total volume of orange juice, and then we will calculate the total volume of apple juice, and we will add, we get the answer. Look here, I will write here. The volume of each small bottle of orange juice, look here, this is value is 1 1/4 liter of orange juice. This is the rate given. We will write 1 1/4 liter. And second value, look here, the volume apple juice of large bottle 1 3/8 more than the volume of orange juice. So we will write 1 3/8 liter more than volume of each small bottle of orange juice. अब यहाँ पर देखें volume of one small bottle apple क्या है 1 3/8 liter more than यानी 1 3/8 liter में हमने add करना है किसको more than volume of one small bottle. तो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉटल का जो रेट दिया हुआ था वो क्या था 1 1/4 लीटर. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 8 टाइम 1 इज 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11/8, और प्लस 1 टाइम 4 इज 4, 4 प्लस 1 5/4. अब देखें ये दोनों अनलाइक टर्म है यानी डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम ऐड नहीं कर सकते. तो क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे और उसके लिए 4 और 8 का एलसीएम लेंगे. तो 4 और 8 का जो एलसीएम है वो आपको मालूम है 8 होता है. तो हम इस ये पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर तो 8 ही है और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 8 बना लेंगे. तो इसको हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रखने के लिए न्यूमिरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, उसको हम दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेते हैं और न्यूमिरेटर को हम ऐड कर लेते हैं 11 प्लस 5 टाइम 2 इज 10. तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 21/8 लीटर. ये रेट आ गया है हमारे पास लार्ज बॉटल ऑफ एप्पल का. यहाँ पर नोट करें कि ये हमारे पास स्मॉल बॉटल का रेट आ चुका है और ये लार्ज बॉटल ऑफ एप्पल का रेट आ चुका है. और स्मॉल बॉटल्स कितनी है 3 और लार्ज बॉटल्स कितनी है 2. तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल बॉटल ऑफ ऑरेंज के रेट से और 2 लार्ज बॉटल्स हैं तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे लार्ज बॉटल के रेट से. दोनों को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा. अब नोट करें कि यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉटल 1 1/4 लीटर है. तो यहाँ मैंने लिख दिया. अब मैंने 3 स्मॉल बॉटल का वॉल्यूम फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं 1 स्मॉल बॉटल का वॉल्यूम कितना है 5/4 लीटर और 3 स्मॉल का कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 15/4 लीटर. और यही प्रोसेस मैं सेकेंड लार्ज बॉटल जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लार्ज बॉटल ऑफ एप्पल है वो कितना था ये देखें. ये 21/8 लीटर आ गया है इसका रेट और आपने 2 लार्ज बॉटल्स का वॉल्यूम लेना है. तो आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 1 लार्ज बॉटल्स 21/8 लीटर यहाँ लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ लार्ज बॉटल से 2 से. तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम 4 इज 8 21/4 लीटर.
अब आपने टोटल वॉल्यूम लेना है तो आप यहाँ लिखेंगे टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 15/4 स्मॉल बॉटल वॉल्यूम, और ये लार्ज बॉटल वॉल्यूम 21/4, तो इसके डिनोमिनेटर सेम है तो हम 4 एज इट इज लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 36/4, और इसको डिवाइड किया तो 9 लीटर हमारे पास टोटल आंसर आ गया। देन 16 शाहा डिवाइडेड सम केक्स इक्वली इनटू 6 बॉक्सेस, शी गेव 5 बॉक्सेस एंड केप्ट 1 बॉक्स फॉर हरसेल्फ, शी एट 1/4 केक्स इन द बॉक्स, इफ शाहा इज लेफ्ट विद द 1/12 केक हाउ मेनी केक्स डिड शी पैक ऑन टू 6 ऑल टुगेदर। देखें इस क्वेश्चन में कितने केक्स किए हुए हैं ये हमने फाइंड करने हैं, और इनको हमने कितने बॉक्सेस में डिवाइड किया है, 6 बॉक्स में डिवाइड किया है इक्वली। तो इस और आप नोट करो कि यहाँ पर शाह ने कितने बॉक्स रखे हैं, 1 बॉक्स जो है शाह के पास है, और कैप्स 1 बॉक्स फॉर हर सेल्फ, और उस 1 बॉक्स में से उसने कितने ऐड कर लिए, 1/4, और लेफ्ट कितने रह गए, 1/12। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो शाह के पास बॉक्स हैं वो कितने हैं, 1 बॉक्स ऑफ केक हम लिख लेंगे, और ईटिंग केक लिख लेंगे कि जो इसने वैल्यू दी हुई है 1/4 केक, और उसके बाद हमारे पास जो लेफ्ट अमाउंट दी हुई है वो है 1/12 केक्स। ये मेरे पास टोटल, अब टोटल केक्स इन 1 बॉक्स कितने होंगे, जो ईटिंग केक्स हैं उसको आप ऐड कर देंगे लेफ्ट केक अमाउंट पे, तो टोटल केक्स इन 1 बॉक्स आ जाएंगे। तो आपने टोटल केक इन 1 बॉक्स आपने फाइंड कर लेने हैं, तो उस अमाउंट को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल केक्स इन 6 बॉक्सेस आ जाएगा। तो यहाँ पर ईटिंग वैल्यू हमारे पास है 1/4 प्लस 1/12। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर नोट करो कि ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 टाइम 1 इज 4 प्लस 1 5/4, और ये वैल्यू बन जाएगी 12 टाइम 1 इज 12 प्लस 13/12, 5/4 प्लस 13/12। तो डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे ताकि फ्रैक्शन ऐड हो जाए, तो 12 इसका 4 और 12 का LCM 12 बनता है, तो इसको भी 12 बना लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वलेंट रखने के लिए न्यूमिरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर 15, दूसरे का 13, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 28/12। तो ये हमारे पास 1 बॉक्स में जो नंबर ऑफ केक्स हैं उसकी वैल्यू है। तो अब हमने लेना है नंबर्स ऑफ केक्स इन 1 बॉक्स की वैल्यू तो आया है 28/12, इसको मैंने डिवाइड कर लिया 2 से, तो ये हो गई 14/6, और 6 बॉक्स में कितने केक्स होंगे ये हम देखते हैं, तो 6 बॉक्सेस में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14/6 को, तो ये 14 केक्स हमारा आंसर आ जाएगा।